मजमून ये है कि इलेक्टोरल बांड के मसले पर जिस तरीके से खुलासा हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट को भी मुगालते में रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को भी गलत फहमी में रखने के SBI ने जो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार का कारनामा है, वो ये काले धन को सफ़ेद और जिस तरीके से ये चंदे का काला धंधा है उसको छिपाने के लिए, उसको लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जिस तरीके से नाकाम कोशिश की और लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ये मुद्दा तो आपको पार्टी में लेकर के बहुत पहले चल रही है, काफी समय चल रही है। नहीं, हमारे पार्टी तो जिस दिन ये इलेक्टोरल बांड का प्रस्ताव आया उस दिन से हमारी पार्टी नहीं, विपक्ष के सारे लोग, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि मोदी सरकार का की जो लॉ मिनिस्ट्री है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन लोगों ने भी इस पर एतराज जताया था और कहा था कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उनको नज़रअंदाज करने के बाद ये इलेक्टोरल बांड वाला ये जो काला धंधा है चंदे का, इसको क्या कहते हैं, लागू किया सरकार ने। और जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरीके से उसमें खुलासे हो रहे हैं, अगर किसी भी सरकार या किसी भी साधारण व्यक्ति के को नैतिकता का जरा सा भी मान होता तो वो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी चोरी और इतने बड़े खुलासे के बाद भी मोदी सरकार विपक्ष के लोगों को लगातार इस बात के लिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है और लगातार यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया, आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ED के माध्यम से कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है और लोकतंत्र को कमजोर करके मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान को लूटना चाहती है और जितना जैसे चाहती है चाह रही है वैसे लूट रही है। तिवारी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो आपके गठबंधन की भी कुछ पार्टियां लाभार्थी हैं। लाभार्थी है, इसमें कोई इनकार नहीं है, और चंदे का धंधा कोई पुराना नया नहीं है। राजनीतिक दलों को लगातार लोग चंदा देते रहे हैं, लेकिन हमारे पास और विपक्ष के पास न तो ED है और न तो हमारे साथ कोई ऐसा उदाहरण उस चंदे में है कि हमने ED की रेड डलवाई, CBI की रेड डलवाई, उसके बाद हमको चंदा मिला। आपके पास जो कुछ है तो वो तो केजरीवाल वाले इशू को तो आप आगे नहीं ले जा रहे, वो तो पीछे हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पीछे हो गया, कितनी जनता कनेक्ट होगी? नहीं, केजरीवाल का इशू क्या है, केजरीवाल का इशू कल का है और केजरीवाल का इशू एक पार्टी को लेकर के है। वो दो जगह क्या कहते हैं, केजरीवाल का प्रभाव है और ये इलेक्टोरल बांड ये पूरे देश के साथ लूट का मसला है। केजरीवाल गलत है, सही है, इसका फैसला हो सकता है कि क्या कहते हैं देर में हो, ये कोर्ट करे या जो जी। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ED CBI इसके जरिए क्या लग रहा है कि BJP वसूलवा रही है चंदा? अरे भाई, सीधा सीधा है कि फ्यूचर गेम को और जो क्या कहते हैं ये लॉटरी वाले जो लोग हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ED और CBI की रेड पड़ी, रेड पड़ने के कुछ दिन के बाद उनको अच्छा खासा क्या कहते हैं काम मिला सरकार की तरफ से, काम भी मिला चंदे के एवज में उनको काम मिला। पहले ED और CBI की रेड पड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया, चंदा देने के बाद तो फिर उनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए। ये बताइए, आज का दिन भी यहाँ जिसलिए आप आए हैं, क्या घर वापसी की संभावनाएं हैं शेरवानी साहब की? हम तो चाहते हैं कि समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा है, और मैं तो अपील करना चाहूँगा और सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को आज फिर से आज़ादी मिल जाए, उसके लिए जो भी आएंगे हम पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सलीम जी से बात होगी, मैं कोशिश करूंगा, मैं इसीलिए आया हूं, आज उनका मुबारक जन्मदिन है, जन्मदिन की मुबारकबाद भी दूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि इस लड़ाई में हमारे साथ है, वैसे भी वैचारिक रूप से वो हमारे साथ ही जी। पल्लवी को भी ले लीजिए ना, फिर वो भी तो आपसे विचारधारा से मिलती जुलती लग रही है। पल्लवी जी को लेना, और आज जिस मुबारक मौके पर मैं आ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये अपील सामान्य जन सामान्य लोगों से जो राजनीतिक हो रही है क्या? नहीं, अभी हमारी जानकारी में इस तरीके की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये दोनों जो आपके संसदीय क्षेत्र हैं जी,
इसमें प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर हो रहा है, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही खींचतान है क्या? केवल हमारे यहाँ क्या कहते हैं, दो ही संसदीय क्षेत्र आपको दिख रहे हैं जहाँ प्रत्याशी आप यहाँ खड़े हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, हम जहाँ खड़े हैं अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में छठवें फेज में चुनाव है और प्रत्याशियों का चयन बहुत ही नाप तौल करके और पूरे क्षेत्र की कार्यकर्ताओं में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि वो देखिए मैं जिले का अध्यक्ष हूँ और कम से कम मेरे साथ काम करने वाले चल रहा है वैसे मोटा मोटा इलाहाबाद संसदीय में। नहीं, ये नाम तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, लेकिन आज की तारीख में मैं ये बिल्कुल दिया हुआ है लेकिन मैं आपके सामने उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 22 लोगों का नाम है, 22 एप्लीकेंट है, 22 क्या कहते हैं दावेदार हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और मैं चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरे संगठन के लोग चाहते हैं कि यहां किसी ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। लेकिन नाम जो चल रहा है उसमें दोनों में ब्राह्मण नहीं है, ये नाम पता नहीं कहां से आपको मालूम है, आपके पार्टी से। नहीं नहीं, सूत्र आपका क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। प्रत्याशी भी लाइन पर है क्या? बाहरी प्रत्याशी का मतलब जिले के बाहर के लोग नहीं, जिले के बाहर के लोगों की मेरी जानकारी में नहीं है, मुझसे जो मांगा गया है ठीक है, लेकर के भी चर्चा है होगी, चर्चा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। ओके।